देश के सभी दर्शकों का प्रभु यीशु के नाम में हम स्वागत करते हैं आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ हो और प्रभु का अनुग्रह आप सब पर हो और आज का दिन आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ मिलती Yeshu, tu mahani hai. Yeshu, tu sach hai. Yeshu, tu zinda hai. Yeshu. युद्धन तीन सोलह में इस तरह से लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए और आज हमारे बीच में जो गेस्ट हैं इसी बात का सबूत है कि प्रभु सब पर अनुग्रह बराबर करता है हमारे बीच में बहन सतवंत कौर हैं मैं इनका प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं और भाई परमिंदर मैं आपका प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं मैं इनसे कुछ बातें करूंगा जिस तरह से नाम से पता लगता है कि ये लोग सिख धर्म से ताल्लुक रखते हैं लेकिन फिर भी ये प्रभु यीशु के पीछे चलने लगे मैं इनसे बातें करूंगा कौन सी ऐसी घटना हुई इनके जीवन में कि ये प्रभु के पीछे चलने लगे बहन ससंत मैं आपका स्वागत करता हूँ आपसे पहला प्रश्न में यही है कि आप बताएं कि किस तरह से प्रभु ने आप प्रभु के पीछे चलने लगी हैं मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे चुना मेरे परिवार yeah. को चुना mm -hmm. हम 85 से शैतान के बंधनों से घिर गए शैतान ने हमें पकड़ लिया हमारे घर में बीमारी बहाने बना बना के आ रही थी mm -hmm. कभी दो इकट्ठे बीमार पड़ रहे हैं कभी एक बीमार हो रहा है मतलब बीमारी निकलने का नाम नहीं ले रही थी लड़ाई झगड़े बढ़ गए पैसे का नुकसान होना शुरू हो गया बर्बादी की तरफ जाना शुरू हो गए हम इतने बड़े-बड़े अटैक बड़े बीमारियां नहीं हो रही कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा कोई दरगाह नहीं छोड़ी कोई मंदिर नहीं छोड़ा नहीं। कोई भविष्यवाणी बताने वाले लोग नहीं छोड़े आप थोड़ा ही बताएंगे हुआ क्या था हुआ सबसे पहले तो बीमारी शुरू हुई हमारे घर में अच्छा। एक दिन तो ये बाप बेटा दोनों बीमार पड़ गए दोनों के बिस्तर ड्राइंग रूम में लगे हुए तो मुझे देख के घबराहट हो रही है इस लड़के को आज तक कभी बुखार नहीं छुआ था तुझे तो बीमार कैसे हो गया अच्छा। ये भी ठीक होने का नाम ला ले मेरे हस्बैंड बीमार हो गए कभी उनको वॉमिटिंग की परेशानी हो रही है सांस में रुकावट आ रही है थायराइड का हो गया लेकिन उनका कम से कम एक साल तक थायराइड डायग्नोज ही नहीं हुआ अच्छा। उनका 63 केजी वेट था जो कि 45 पे पहुंच गया ओ भाई। तो एक दिन उन्होंने बच्चों से भी कह दिया मेरे साथ मत चिपटो प्यार मत इतना करो मेरा तो कोई डायग्नोज ही नहीं हो रहा कि क्या करने हैं क्या नहीं जैसे तैसे खूब प्रार्थनाएं वगैरह हुई उनके लिए तो डायग्नोज प्रार्थना कौन कर रहे थे पहले तो हम कभी कहीं जाना कभी कहीं जाना अच्छा हर जगह पे भटकते रहे लेकिन फिर टेस्ट करवाया लास्ट में आठ नौ महीने के बाद जाके किसी ने बताया कि इनको किसी ने कुछ किया हुआ है अच्छा तो टेस्ट तो आपने डॉक्टर से करवाया टेस्ट डॉक्टर से करवाए टेस्टों की रिपोर्ट नॉर्मल आती रही लेकिन उसके बाद फिर घबराहट बढ़ गई कि टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा है तो ऐसी क्या बीमारी है जो जान ये तो जहाँ दुष्टात्मा का का हमें नहीं पता था अच्छा तो ऐसे जब हम प्रभु यीशु में नहीं आए थे तब हमें कोई किसी और के पास ले गया उन्होंने कोई अरदास की तो इनका डायग्नोज हो गया लेकिन पीछा नहीं छूटा बीमारियों से से डायग्नोज हो गया हो गया अच्छा। लेकिन पीछा नहीं छूटा चिड़चिड़ाहट अच्छा। पैसे का नुकसान बीमारियां उनको छोड़ा तो किसी और को पकड़ लिया अच्छा। फिर मेरी बेटी पे बहुत बड़े अटैक होने शुरू हो गए रात को अच्छी भली खा के सोई है ऐसी खांसी शुरू हुई कि समझ ही नहीं आए क्या हो गया उसको कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा पटेल चेस्ट हॉस्पिटल जो दिल्ली में इतना मशहूर है लेके ले, के, ले अच्छा। के गए कोई उसकी चेस्ट की प्रॉब्लम आ ही नहीं रही एक डॉक्टर ने कहा हम इसके एलर्जी टेस्ट करेंगे ढाई सौ सुइया लगा के उसकी एलर्जी ढाई सौ ऐसे बाजू करके बैठी रही मैंने पता नहीं टेस्ट की कहती है कोई अच्छा ऐसे हाँ ऐसे लगा लगा ऐसे बाजू करके बैठी रही लंग्स का टेस्ट हुआ लेकिन अच्छा। कुछ नहीं निकला कहीं कोई चीज नहीं निकली तो क्या किया जाए बहुत दुखी परेशान हो गए बेटी की हालत ऐसी हो गई थी अब 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 गई गई के गई। अच्छा अब मैं जरा भाई परमिंदर से पूछूं ये मुझे बताते थे बहुत झगड़ा करते थे घर में बहुत झगड़ा होता था कोई खुश रहता नहीं था भाई आप बताए परमिंदर जी हमारे घर में पीस ऑफ माइंड नहीं थी अच्छा और कभी पापा के साथ कोई ऑल्ट्रकेशन हो रही है झगड़ा हो रहा है आर्गुमेंट हो रहा है कभी मम्मी के साथ हो रहा है और जब से हमने होश संभाला है हम आ, आ, 85 में नाइजीरिया से वापस आए थे अच्छा और मेरे पापा डेपुटेशन पे गए थे नाइजीरिया अच्छा। तो तब से हम रजौरी गार्डन में रहते थे तो तब से हमने देखा कि इन चीजों का असर बढ़ता तो गया मैं अंदाजा ये लगाता हूँ नाइजीरिया से जब आप लोग आए आपके पास बहुत पैसा होगा वेल well... <laughs> ऐसी कुछ है। नहीं परेशानी की बात ही है

नहीं। ये खाना नहीं खाती थी गुरुद्वारे जाती थी अपना पाठ रेगुलरली करती थी पर वो सब करने के बावजूद भी हमको एक शांति नहीं थी नहीं। तो हमें लगा कि जीवन कहीं शायद इसी का नाम जीवन है ऐसी जिंदगी कटती रहेगी मेरी सेहत खराब होनी शुरू हो गई मेरे पेट में दर्द थी मैं कई महीनों में लिक्विड डाइट पे था मैं चाय का कप नहीं पी सकता था मैं लोगों को एक समोसा या पकोड़ा खाते देखता था तो मुझे ये होता था कि भाई हाउ लकी दे आर तो पर मुझे ये और मेरे पेट में दर्द होता था तो जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई मुझे इतनी अच्छी अच्छी जॉब ऑफर्स आई आउट ऑफ डेली मैं सिर्फ अपने पेट की वजह से जा नहीं सका क्योंकि मैं बाहर से पानी भी नहीं पी सकता ओ, था और जिस घर में हम रहते थे इस जॉइंट फैमिली में उस रात को हमको परछाइयां नजर आती थी रात को कोई मेरा गला घोटता था अरे और अच्छा। इतना मैं ज्यादा मैं ये तो बहुत पाठ पूजा करते थे अपना गुरुद्वारे में पर मैं मुझे याद है कि आउट ऑफ क्योंकि हमको ये सिखाया गया था कि आपको सब धर्म एक समान है अच्छा, आपको सब की आ, रिस्पेक्ट करनी है एंड तो मैं पोस्टर लेके आता था मैं पैम्फलेट लेके आता था कभी किसी गुरु का देवी का देवता का और मैं अपने अपना कमरा ऊपर सजा रखा था अच्छा आई विश मेरे पास फोटो होती दिखाने के लिए अच्छा, फिर मैं रात को बैठ के टेप रिकॉर्डर में पाठ करता था मुझे किसी फिर अपने स्क्रिप्चर्स पे मेडिटेट करना फिर रात को वही परेशानी आ जानी अच्छा। फिर एक बार मेरा खोलती हुए इलेक्ट्रिक कैटल पे पैर आ गया और मेरी पूरी एडी यहाँ से कट गई थी मतलब इट जस्ट वेंट इन लाइक दैट अच्छा तो जब भी हमारे घर में कोई अच्छा काम होना होता था तो कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती थी उस दिन मेरा एग्जाम था बोर्ड का फिजिकल एजुकेशन का ये दुर्घटना हो गई और इन सब दुर्घटनाओं के बीच में हमें जो कहीं कहता था इस पंडित के पास चले जाओ उस एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ गुरुद्वारे के पार्ट तो हम करते थे अरदासें कराते थे और इस चदरें चढ़ा लो तो इस बीच में चदार नहीं सॉरी मजार, मजार में चढ़ाते थे क्योंकि मन की शांति के लिए इंसान हर जगह भटकता है ठीक है तो एक टाइम तो हमारे एक स्पिरिचुअल गुरु थे जो कि काफ़ी सालों से हमारे हमको जानते थे तो उन्होंने जब हमारी परेशानियाँ देखी तो उन्होंने कहा कि मेरी मेरे गुरुओं से डायरेक्ट बात होती है और मैंने अब गुरुओं की गद्दी संभाल रखी है अच्छा तो ही वॉज अराउंड सेवेंटी एट दैट टाइम अच्छा तो उन्होंने कहा कि मैं इलाज आपका करूँगा हम रजौरी गार्डन में रहते थे उन्होंने हमको इलाज बताने शुरू किए जैसे कि आप तुलसी पे प्रार्थना कर, आ, कर लो अच्छा और ये पानी आप पी लो फिर कुछ मंत्र बता दिए माला से ये फेर लो अच्छा तो उससे हमको टेम्परेरी रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया बट वो परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता था अच्छा तो जिंदगी चलती जा रही थी और हमको ये लगता था कि शायद क्यों और हमारी गली में कुछ जवान लड़कों की डेथ होनी शुरू हो गई जो भी आ, हमारे साथ जो हमारी रहती थी आ, फैमिली जॉइंट जो अच्छा। मेरी रिलेटिव रहते थे उनके संपर्क में जो भी आता था उनका जवान लड़का मर जाता था रिलेटिव के संपर्क में जो आता था जी उनका जवान लड़का आपने जी की बात स्टार्ट हो गया तो फिर हमने बाबा जी को बताया तो फिर हमारा घर बिक गया '92 में अच्छा इसी दौरान तो घर जब बिक गया तो हम रजौरी गार्डन से टेगोर गार्डन में आ गए अच्छा परेशानी तो वहाँ भी बनी रही क्योंकि हमारी जो रिलेटिव थी उनका आना जाना बना रहा अच्छा उनका आना ऐसा होता था कि वो जैसे ही आती थी घर में परेशानी आई एकदम से खलबली मत जानी अच्छा तो मैं इनको देखता था ये कई बार आधी रात को उठ के बैठ गए अच्छा और लगता था जैसे ये पागल हो रहे हैं मेरे मेरे पापा के साथ बड़ी बहस होती थी मेरी बहन के साथ बहस होती थी अच्छा तो बरकत नहीं थी घर में पड़े पड़े पैसे गायब हो जाते थे लॉकर में हाँ ये बड़ी कॉमन बात है अब मैं इन सब पूछू आपसे आप बहन बताएं आप बेटी के बारे में बताई थी कि उसकी उनकी तबीयत बहुत खराब होती थी वो वहां से बताएं मुझे तो बेटी को टेम्परे रिलीफ मिल जाता था लेकिन बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी तकरीबन सुबह चार बजे उसको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जानी सांस रुक जाना अच्छा। हाँ, सांस रुक जाना जब उसके एग्जामिनेशन डेज होते थे वो बीमार हो जाती थी क्योंकि अच्छा। बेटी मेरी पढ़ने में इंटेलिजेंट थी अच्छा। ऐसा किया जाता था कि वो एग्जाम ना देने पाए जैसे तैसे टाइम तो हम खींचते गए लेकिन रोते रोते जिंदगी काट रहे थे फिर करते करते एक टाइम पर मेरी बेटी रेडियो आर्टिस्ट बन गई उसकी रेडियो पे ऑडिशन होनी थी उसके साथ ऐसा जादू टोना किया गया कि वो रेडियो पे ऑडिशन ना दे पाए डॉक्टर से हम इलाज करवा रहे थे कोई फर्क नहीं हालत ऐसी हो गई शक्ल काली हो गई अच्छा। चादर ओढ़ के कमरे में पड़ी रहती थी कुछ खाने के दो नहीं लेना अगर बाहर धूप में जाती है तो वहाँ चादर ओढ़ के पड़ी रहती थी कि जैसे उसको दुनिया की कोई सुध बुध नहीं है अच्छा कितनी उसकी बेटी ग्रेजुएशन अच्छा कर रही थी मींस 17 18 से तो इतना सब बल्कि ये 8th में पढ़ती थी तब ये शुरू हो गया था तो चलता ही जा रहा था जो हाँ। मामला सारा हमें कुछ समझ नहीं आ रही कोई कह रहा है इस पे मसानों की राख फेकी यही है अच्छा हां कोई कह रहा है इसकी जान लेने की कोशिश की जा रही है खाने पीने में बिल्कुल ढीली हो गई थी अच्छा खाना पीना नहीं नींद नहीं आनी उसको लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए करते करते बीच बीच दूसरी जगह जाते थे लेकिन मन को वो खुशी नहीं मिल रही अच्छा। थी कि कैसे पीछा छूटेगा हमने ये सोच लिया कि अब हमारी जिंदगी शायद ऐसे ही खत्म हो जाएगी कि अच्छा। इन्हीं चक्रों में फिर एक रात बेटी काफ़ी बीमार हो गई अच्छा। तो सोने से पहले उसने कहा मैं बीमार हूँ चलो मैं कह सो जाओ सुबह पांच बजे वो जगी सारी रात वो सोई नहीं अच्छा। कभी बाथरूम जा रही है हमारे पास एक डॉगी थी कभी उसको बुला रही है और कभी मुझे कहती स्टोर की लाइट जलने दो लाइट नहीं बंद करनी अच्छा। क्योंकि अंदर से उसको कुछ हो रहा था अच्छा, अच्छा। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया जब सुबह वो सवा पांच बजे उठी है मेरे पेरेंट्स पंजाब से आए हुए थे मेरे हस्बैंड उनको सी ऑफ करने के लिए गए इस बेटी ने इतना इंतजार किया कि ये लोग घर से निकल जाएं तो फिर मैं अपनी प्रॉब्लम अच्छा जो ही मेरे पेरेंट्स निकल के गए मेरे हस्बैंड उनको सी ऑफ करने के लिए बाहर गए स्टेशन पे अच्छा। तुझे तो कहने लगी मम्मी मेरे दिल में ना कुछ हो रहा है अच्छा। और ये खिड़की में से ना दो काली छाया आ रही है और मुझे कहते हैं कि लेके जाना है लेके जाना है हम तुझे लेने आए हैं दूसरी तरफ मेरे को भी रात का कुछ विजन अच्छा नहीं था अच्छा। और जिन चीजों से हम गुजर रहे थे उनसे रिलेटेड तो यही रिजल्ट था कि आज इस बेटी का एंड है ही है ओह इतनी हालत खराब इतनी हालत उसकी खराब मैंने फटाफट उसको दूध पीने के लिए दिया मैं अच्छा। कहा तू दूध पी ले ये बेड छोड़ दे दूसरे बेड पे चल गया अच्छा। वो बैठ के लेट गई उसको चैन नहीं आ रही आखिर मैं ऐसे खड़ी थी ये भी उसके सामने पानी पी रहा था खड़ा होके अच्छा। उसने ऐसे एक उंगली उठाई और जोर से चीख मारी चीख मार के ऐसे हो गई अच्छा। गर्दन गेर दी गर्दन अच्छा हाँ मैं फटाफट जाके उसको पकड़ा अच्छा। तो मेरे ऐसे गर्दन हाथ में आ गई मैं उसको हलाए जा रही रिंकी उठो रिंकी उठो अच्छा। करते करते खत्म कोई आवाज नहीं अच्छा दिमाग में से कोई आवाज नहीं आ रही हाथ पैर फूल गए मैंने उसको ऐसे पकड़ा बेड पे लटा दिया अच्छा तो मैं ऐसे एकदम पीछे हो गई इसको मैंने कहा मैं कि ये तो खत्म हमारे घर की कहानी खत्म हो गई जो इतनी परेशानियों में से हम गुजर रहे थे अच्छा। कभी बेटी पे आ कभी ये तो कहानी खत्म हो गई अच्छा। रोना चीखना शुरू हो गया अच्छा। तो हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर रहते हैं अच्छा। ये भागा भागा गया अच्छा डॉक्टर को बताया कि रिंकी को पता नहीं क्या हो गया बेटी को वो हस्बैंड वाइफ आ गए बैठ गए मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ क्या हुआ उन्होंने कुछ नहीं बताया अच्छा। उसकी आंखों पे ऐसे हाथ रख के बैठे रहे अच्छा उतने टाइम में इसको ऊपर किसी से पता चला था कि क्रिश्चियंस जब प्रार्थना करते हैं इन्होंने मुझे बताया था तो मैं इनसे इनसे ही आप बताएं कि क्या हुआ था अह वो बताने से पहले मैं थोड़ा सा आई लाइक टू गो बैक ठीक है जब हम पे दिक्कतें इतनी आ रही थी तो हम अपने स्क्रिप्चर्स पे रेगुलरली मेडिटेट करते थे ठीक है बाबा जी ने हमको नाम भी दिया था बाबा जी ने कहा था मेरी रात को देखो हमको जो सिखाया जाता है कि आप जब जैसे बड़े हो रहे हैं तो आपको संतों महात्माओं का आपको उनका आदर सत्कार थीक, करना थीक, है थीक। और उनके पास जो चीज है वो आपके पास नहीं है।, है तो आपको उनसे वो प्राप्त करनी है थीक। थीक। तो मैं बाबा जी से और एक दो लोगों से मैं पूछता था अच्छा। कि आपके पास इतनी पावर कैसे आ गई अच्छा। आप भगवान से बात करते हो आप कहते हो तो मुझे भी आप, आपके जैसे बनना तो वो ये कहते थे कि बेटा ये आसान नहीं है पता नहीं कहाँ हमने सिद्धियाँ क्यू ही हैं रात को एक टांग पे खड़े होके हमने गुफा में पता नहीं क्या क्या किया हुआ है और ये बाबा जी मुझे कहते थे कि किसी का उन्होंने एग्जाम्पल दे के बोला कि ऐसे ही आपकी तरह किसी ने एक इच्छा जाहिर की थी अच्छा। कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं हाँ। परमेश्वर के तो उसने कहा था कि जब ये पीपल है पीपल के पेड़ पे जितने पत्ते हैं अच्छा। जब वो झड़ जाएंगे ना हाँ। अगर तब भी दर्शन हो गए तो, तो इतने जन्मों के बाद तो अपने आप को तुम लकी समझना जन्म के बाद हाँ जी अच्छा जी तो ये सारी बातें अब हमको तो जो बातें सिखाई जाती थी मैंने बाबा जी से क्वेश्चन पूछा मैंने कहा अभी तो बाबा जी आप चलो परमेश्वर की दया से आप जिंदा हैं यूर वेल अल और हमें जो भी प्रॉब्लम होती है हम आपको फट से फोन कर देते हैं है है। कि बाबा जी घर में लड़ाई होगी फटाफट आओ मेरी बहन बीमार होगी आ जाओ एक्सीडेंट हो गया या जो भी हो गया मेरी मम्मी का मूड एकदम बैठे बैठे खराब हो गया आप आ जाओ वो आके जो इलाज बताते थे उस टाइम ठीक हो जाता था मैंने कहा बाबा जी अगर बाई चांस मेरे मन में एक ख्याल आता है कि आप जब नहीं होंगे तो हमारा क्या तो होगा हो ठीक तो, तो और फिर मैंने उनको पूछा उन्होंने कहा कि बेटा आप अपने स्क्रिप्चर्स पे मेडिटेट करते रहो मैंने जो आपको बताया है, माला जपो उन्होंने कुछ हमको मंत्र भी दिए थे अच्छा। कोई तंत्र मंत्र जो कि उन्होंने कहा था अच्छे के लिए अच्छा। तो मैंने कहा बाबा जी इतनी पावर आपको दी हुई है आप रात को अपने गुरु से रोज बात करते हो फ्रॉम द स्पिरिचुअल रेलम ही यूज्ड टू से जैसे यस, वो कहते थे आप इन चीजों को परमानेंटली क्यों नहीं खत्म करते अच्छा हमको परमानेंट छुटकारा चाहिए उन्होंने कहा ऐसा है बेटा मेरे पास ये पावर नहीं है मेरे पास ये शक्ति नहीं है अच्छा ये चीजें बड़ी ताकतवर हैं मैं इनको सिर्फ कुछ हद तक रोक सकता हूं तो मैंने इनका क्या ये सिलसिला चलता रहेगा ऐसे अच्छा तो उन्होंने कहा अब मैं थोड़ा पक्का इंतजाम किया है आपके जहाँ पे टेगोर गार्डन आप रहते हो आपके घर के सामने दो पीर हैं अच्छा तो मैंने पीरों का पहरा इस घर पे लगा दिया है अच्छा तो आप ये दिया जलाना और पीर आपकी रक्षा करेंगे ठीक है भी? पीर हमारी रक्षा करेंगे तो फिर जब मेरी बहन पे ये जब अटैक आया जहाँ से भी आया अटैक उसने एक स्वेटर पहना था तो बाबा जी ने कहा मैं आज रात को ध्यान लगाऊंगा कि ये अटैक कैसे आया अब मिस्टिक पावर्स तो उनके पास होती ना ठीक है अगले दिन बाबा जी आए और उन्होंने लसन टांग दिए एक धागे में पिरोके व्हाइट लसन और हमारे गेट की एंट्रेंस पे टांग दिए तो उन्होंने कहा अगर ये रात तक लाल हो गए हाँ। समझो काम खराब है अच्छा तो वो रात तक तो ब्लड रेड हो गए जो सुबह हमने व्हाइट टांगे थे अच्छा तो जान सूख गई हमारी तो कहते हैं भई अब तो काम खराब है अब मैं रात को बात करूंगा अब इस प्रोसेस के साथ-साथ हम सब अपने पाठ कर रहे थे पूजा कर रहे थे मैं मंदिर में जाके मैं माला जपता था पुजारी जी कहते थे कि क्या क्या तो बाबा जी अगले दिन आए उनके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ा हुआ ऐसी शक्ल मैंने आज तक नहीं हमने आज तक नहीं देखी कहते क्या कहते रात को मेरी उस चीज से बात हुई है जो इविल स्पिरिट किसी ने भेजी है अच्छा और आपकी बहन पे जो वर्स्ट काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक होता है वो किया गया है इस पे मसानों की राख फेंकी गई है अच्छा। जिसका कोई तोड़ नहीं है और उस चीज ने कहा है कि बाबा जी आप रास्ते से हट जाओ अच्छा मैं तो जान लेने आई हूँ और जान लेके जाऊंगी अगर आप अच्छा। रास्ते में आए तो मैं आपको भी ले जाऊंगी तो उस उस दिन के बाद ऑल ऑफ अ सडन वो बाबा जी हट गए पीछे अच्छा हम क्या करते हम अपना वही गुरुद्वारे जाते रहे हम अपना पाठ करते रहे बाबा जी को फोन भी करते तो वो फोन पे बात नहीं करते थे अच्छा जैसे कि कि तो वो भी डर गए होंगे ना जाएंगे साथ जी ऑल ऑफ सडन जिसकी हम पूजा करते थे जिसको हमने परमेश्वर का दर्जा दिया था ही वॉज कंसर्न फॉर इज ओन सेफ्टी तो ये सब हमको अचंबा हुआ अच्छा पर हम कुछ कर नहीं सकते नहीं थे क्योंकि जब कोई इंसान आपसे नाता तोड़ लेगा आप क्या करोगे क्या करोगे ठीक है अच्छा देन तो जब मेरी सिस्टर की तबीयत ऐसे खराब हो गई शी सडनली वेंट लाइफलेस जहाँ मेरी मदर तक जहाँ मेरी मदर ने बताया था तो उस टाइम डॉक्टर साहब को बुलाया शी वाज एब्सोल्युटली लाइफलेस बिल्कुल हिल नहीं रही थी जैसे कि डेड डेड पड़ी हुई थी अच्छा और डॉक्टर साहब आए हाथ पैर मलने शुरू कर दिए तो ये जैसे पानी का गिलास पड़ा है ये इस पीतल का गिलास था तो आप ये चीजें इमेजिन नहीं कर सकते कि आपके साथ ये कैसे हो गया मेरी बहन कैसे मर गई नो इट्स नॉट पॉसिबल मैंने ये ग्लास उठाया और मैंने गुस्से में पटक दिया नीचे मैंने कहा अच्छा, हमारे साथ ये नहीं हो सकता अच्छा, नहीं ये नहीं हो सकता अच्छा, उस टाइम परमेश्वर ने कार्य किया ये मुझे अब पता लगा बाद में कि परमेश्वर ने कार्य किया उस टाइम तो मुझे ये भी नहीं पता था कि परमेश्वर कार्य कर रहे हैं अच्छा Something drew me away from that bedroom. मैं से हट गया। गया। ये सब रोना धोना शुरू हो गया। इन्होंने कहा कि तेरी बहन बे चली गई है और मैं ड्राइंग रूम में आ गया मैं तेज से चक्कर काटने शुरू कर दिए मैंने कहा अपनी बहन को कैसे बचाएं? अपनी बहन को कैसे बचाएं? जैसे कि कोई चक्कर काट रहा होता है तेज से परेड हो रही होती है यूं हाथ पीछे करके आज तक तो ये ख्याल कभी आया नहीं था बहुत लड़ा करते थे <laughs> लड़ाई इसलिए होती थी अभी <laughs> नहीं बताया। <laughs> <laughs> लड़ाई देखो इसलिए होती थी मैं उसको कहता था कि क्या है क्यों क्यों तू अपने मम्मी पापा को परेशान किया हुआ और जब इविल स्पिरिट्स होती हैं तो मैं मानता हूँ ये आपको पीस ऑफ माइंड नहीं रहने थे हमें लगता था हम सभी पागल हो रहे हैं तो आज से पहले तो हम हर जगह धक्के खाते थे अच्छा। हमको कभी ये पता नहीं था कि भाई हाँ। तो उस टाइम मेरे मन में आया कि क्या कर सकते हैं बचाने के लिए क्या अच्छा। कर सकते हैं फिर ये ख्याल आया कि ये 98 का वाक्य है अच्छा 1998 में ये किस्सा हुआ अच्छा। और मेरा ख्याल उससे चार साल पहले मैंने नाइन्टी में अच्छा। मैंने कहीं डिप्लोमा ज्वाइन किया था इन मार्केटिंग इन एयरलाइंस कम्युनिकेशन ताकि मेरी एयरलाइंस में जॉब लग जाए जॉब तो लगी नहीं That institute turned out to be a fake one. उसके जो थे थे, वो भी जेल चले गए। गए, अच्छा। पैसे तो तो पर ये है ठीक है। नहीं। डिप्लोमा उन्होंने दे दिया। वहां एक दिन हम जब बैठे थे, तो एक इंसान से हमारी मुलाकात हुई थी उन्होंने कहा था ये ब्रदर विंसेंट है अच्छा। ये जब ये क्रिश्चियन है अच्छा ये जब प्रेयर करते हैं, तो प्रभु इनकी सुनता है अच्छा इधर से सुन के यहाँ निकाल दिया अब नाइनटी एट में मुझे बात याद आ गई मैंने कहा कि मिस्टर विंसेंट को और तो बहन तो पड़ी हुई है तो अब तो तो क्या करें मेरे मन में आया मैंने कहा वो मैं उनका नंबर कहाँ से दूँ कभी मेरी फ़ोन पे बात नहीं हुई मुझे ये नहीं पता उनका नंबर है भी मेरे पास कि नहीं और आपको पता कितने बजे की बात है ये करीब साढ़े पाँच होंगे स, स, नहीं 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 ये चार बजे वाक्य शुरू हो गया साढ़े बजे स्टार्ट हो गया था उस हाँ जी सुबह सुबह तो उस टाइम उस टाइम कोई पाँच बजे होंगे अच्छा ये सब बहुत जल्दी जल्दी हुआ है है। तो कमरे में अंधेरा था मैं टॉर्च लेके मैं अपना नोट पैड ढूंढने लग गया जहाँ पे मैं नोट्स बनाया करता था नील गगन का इतना सा पैड होता है आपको शायद पता होगा स्टेशनरी का तो मेरी आदत है डूडलिंग करने की मैं बहुत कुछ लिखता रहता हूं अब मैं एक एक पन्ना खोल के टॉर्च लेके मैं नंबर ढूंढने लग गया उनका मैंने कहा शायद कहीं नंबर लिखा नजर आ जाए ब्लैक इंक में जिग जैग में ट्रिपल टू से एक नंबर शुरू हो रहा था मैंने कहा हो ना हो यही नंबर है मैं आके फटाफट फट फट फोन मिलाया और वो नंबर मिल गया, तो, गया तो मैंने पहले कहा मैंने ब्रदर सॉरी आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब करे कहते नहीं नहीं आप मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने नहीं पहचाना अच्छा। मैंने कहा ऐसे आप इस इंस्टीट्यूट में मिले थे कहते अब बताओ बेटा फोन क्यों किया मैंने कहा मेरी बहन के साथ शॉर्ट में बताया उनको अच्छा। ऐसे ऐसे इविल अटैक्स उस पर आए थे और दिन से हालत खराब थी उसकी और वो ऐसे बिल्कुल लाइफलेस पड़ी हुई है तो उन्होंने कहा उन्होंने हल्की सी प्रेयर की अच्छा काफी साल हो गए हैं इस बात को मुझे एग्जैक्टली याद उन्होंने क्या अच्छा। कहा बट उन्होंने कहा अच्छा। जाके अपनी बहन का थोड़ी देर बाद हाल देखा तो जैसे आंखें फड़फड़ानी शुरू हो गई गॉड मैं एकदम <laughs> से और एक्साइटेडली वापस आया मैंने कहा अंकल अंकल उसमें तो जान आ गई है वो तो एकदम से जिंदा हो गई है वो उसकी मतलब तो मैं अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर सका वहां पे डॉक्टर साहब बैठे थे वो उसके हाथ पैर मल रहे थे उनको लगा शायद उनके द्वारा कुछ अच्छा, हो गया अच्छा। क्योंकि उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि ऐसे अच्छा। केस में सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल तो मैंने ब्रदर विंसेंट को बताया मैंने कहा जी वो तो आ, अच्छा, आ गई है तो उन्होंने कहा कि जीसस ने वो आपकी जो ब्लैक मैजिक की स्पेल थी ही हैज Broken that spell God. of black Praise magic, क्या काम तो मैंने मैंने ऐसे ही बोल दिया उनको सरदारों घर में बाइबल का क्या काम हमारे <laughs> <laughs> तो <laughs> <उनको। laughs> का <laughs> घर में तो हमारे ग्रंथ <laughs> स्क्रिप्चर्स होते हैं मेरे बोलने की देर थी

तो 18 से 22 साल की उनकी उम्र होगी हमने कहा शायद चलो लेट्स गो आस्क देम आउट फॉर कॉफ़ी <laughs> भाई चलो हो सकता है हमारे साथ कोई बात बात <laughs> हो जाए इनकी तो हमने उनसे पूछ लिया भाई आप कहाँ से आए हैं तो उन्होंने कहा हम यू से आए हैं अच्छा जी तो उन्होंने आप उन्होंने कहा आप यहाँ क्या करने आए हो तो फिर उन्होंने पूछा आपने प्रभु यशु का नाम सुना है मैंने कहा सुना है वो तो आपका अमेरिकन का भगवान है <laughs> वो तो गोरों का भगवान है ठीक है ठीक है ओके वो सुनते रहे हमारी बात तो उन्होंने कहा आप किस में विश्वास करते हैं कहा हम तो सिख हैं और मेरा फ्रेंड था कहता हम हिंदू हैं अच्छा एक था कहता हम जाट हैं अच्छा ठीक है तो उन्होंने कहा कि कभी बाइबल पढ़ी है क्या नहीं ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको सिखाया गया कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं ग्रंथ हैं है, उनसे ऊंची कोई चीज़ ही नहीं है तो बट हमको ये सिखाया गया था हर धर्म का इज्जत करना हमने कहा हम आपके रिस्पेक्ट करते हैं बट प्लीज़ हम अपने धर्म को मानते हैं अपने गुरुओं को मानते हैं तो उन्होंने कहा हमने कहा भी हम जाना है जल्दी है लेट हो रहे थे हमको बस पकड़नी थी हमको पता लग गया इन्होंने हमारे साथ कहीं कॉफी नहीं पीनी <laughs> तो तो, तो उन्होंने कहा कि ब्रदर हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं प्रार्थना करो प्रार्थना में क्या तो उन्होंने कहा हम हमारे हाथ पकड़ लो और एक हाथ यहां आपने हार्ट पे रख लो आंखें बंद की उन्होंने की प्रेयर कराई कि प्रभु यीशु आप मेरे दिल में आओ मैं आज से आपको अपना स्वीकार करता हूँ तो नहीं नहीं तो यहाँ एक 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 से, से निकाल रहे फिर उन्होंने एक नीली हार्ड कवर की किताब दी उन्होंने कहा आप ही ले जाइए लेके आया वापस इनको बड़े एक्साइटेडली मैंने दिखाया मैंने कहा आज यो क्रिश्चियन मिले सी ओ जो घूमते रहते तो देखो उन्होंने मुझे क्या दिया अब अब खोल के देखा अब वो किंग... ये नहीं, वो ये नहीं है, वो वो नहीं नहीं ये है मैं लाना भूल गया वो किंग जेम्स आगे उसमें इंग्लिश ऐसी पढ़ी मतलब नहीं जाए तो हमने देखा हमारा फर्स्ट रिएक्शन ये था जैसे हमने वो खोला हमने कहा ये क्या नॉवल है मार्क मैथ्यू लूक जॉन दिस इज हाँ जी ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन था अच्छा हमने कहा हमारे स्क्रिप्चर्स को देखो कितने अच्छी तरह जैसे मोती पिरो के लिखे होते हैं अच्छे। इतने अच्छे-अच्छे ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर्स होते हैं खैर इनको दिखाई वो हमने पढ़नी चाहिए हमसे कंसंट्रेट नहीं हुआ ऊपर से पूरी जेनियोलॉजी लिखी होती है ही बिगेट दिस बिगेट मैं ये, ये, का यार ये क्या है ये, ये होली ये, बुक नहीं है अच्छा तो हमने फिर एक टाइम बाद इतना तंग आ गए तब हम पुराने घर में रहते थे हमने कहा इसको हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे अच्छा किसी काम की नहीं है तो डिस्पोज ऑफ कर देंगे तो जब रद्दी वाला आएगा उसको दे देंगे मैगजीन देते हैं है। अब ये प्रभु की योजना है हमने दो बार शायद उसको डिस्पोज ऑफ करना चाह। नहीं मिलती नहीं थी अच्छा अखबार मिल जाते थे मैगजीन मिल जाती थी बाइबल गायब अच्छा तो ऐसे दो बार हुआ फिर हम भूल गए इतनी देर में हमारे घर का फैसला हो गया क्योंकि दिक्कतें बढ़ती जा रही थी बच्चे बड़े होते जा रहे थे हम एक ही कमरे में अपना गुजारा नहीं होता था अब हमसे तो घर का फैसला हो गया अच्छा। वो बाइबल किस पैकेज में इस घर में आ गई कभी कभी शायद कहीं पड़ी नजर आती थी दिस वॉज इन नाइनटी टू नाइनटी टू में आए थे हम टेगोर गार्डन में तो जब नाइनटी एट की सुबह मिस्टर विंसेंट ने मेरे को पूछा आई एम कमिंग बैक टू दैट सेम इंसिडेंट अगेन जब मेरे घर में कोई बाइबल है मैंने कहा हैंग ऑन हैंग ऑन

इसमें चैप्टर ऑफ साम्स में जाओ और साम थर्टी फाइव साम नाइन्टी वन साम वन टी वन साम टी थ्री साम फोर्टी अच्छा। वन ये मुझे याद है उन्होंने, अच्छा। उन्होंने बताया था कुछ साम्स। उन्होंने कहा अपनी सिस्टर के पास जाओ घुटने पे आओ और इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो आपकी बहन को हीलिंग मिल गई है उसको रिकवरी होने में टाइम मिलेगा टाइम लगेगा ठीक है अब प्लीज बी वेरी पेशेंट विद हर वो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है ब्रदर भाई मैं जैसे बाइबल खोली मैंने साम थर्टी फाइव पढ़ना शुरू किया मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है बट उसमें ऐसे लगा जैसे कोई किसी ने हमारी लाइफ स्टोरी लिखी हुई है अच्छा। लोगों ने हम पे जुल्म किए ख़ास करके अगर आप वर्सेस नाइनटीन टू ट्वेंटी टू देखेंगे थर्टी फाइव की थर्टी फाइव की मुझे अच्छा। ऐसे लगा मैंने इनसे भी बाद में शेयर किया कि ऐसे लगा जैसे कोई हमारी मैं पढ़ देता हूँ शाम थर्टी की नाइनटीन से ट्वेंटी ट्वेंटी लिखा है जो झूठ मूठ मेरे शत्रु बन गए हैं उन्हें मुझ पर हंसने न दे जो आकारण मुझसे घृणा करते हैं उन्हें द्वेश से घूरने न दे क्योंकि वे मेल की बातें नहीं नहीं करते परंतु जो देश में शांति से रहते हैं उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह फाड़ा है उन्होंने कहा आहा आहा हंसने हमने अपनी आंखों से देखा है हे यहा तूने देखा चुप ना रहे हे प्रभु मुझसे दूर ना रहे पे कई इल्जाम लगाए गए थे तो मुझे लगा ये तो हम अपनी लाइफ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ के काफी रिलीफ फील हुआ साम 91 जब पढ़ा साम 41 वन पढ़ा तो ऐसी हमने कभी पढ़े नहीं थे अच्छा। तो उन वचनों ने हमको बहुत शांति दी मैं बहुत रिलीजियस नहीं था पर जब मैं आठ साल का था तो मैं रोता होता था ये सोच के ये पूछा करता था मरने के बाद क्या होगा ये कहते ये कोई उम्र है ये पूछने की मरने के बाद क्या होगा हाँ भाई ये तो बड़ी अजीब बात है कि इतनी छोटी सी उम्र में आठ साल की उम्र में आप मरने की बातें पूछते थे तभी तो आप पैदा ही और ये तो बड़ी जैसे कोई बहुत ज्ञानी बातें करते हैं जो इतनी बड़ी गहरी बात आप पूछते हो ठहरों में आपकी मम्मी से ही पूछता हूँ कि आप किस तरह बताइए ये किस तरह की बातें आपसे करते थे आठ साल की उम्र में जी हाँ इसको शुरू से गुरुद्वारे जाने का और अच्छा। खास करके जो गुरुद्वारे किस लिए जाता था प्रसाद खाने के लिए स्कूल भी जाने के लिए तैयार हो जाता था अच्छा। मैं गुरुद्वारे जाती मेरे पीछे पीछे भाग के आता था कि मैं प्रसाद लेने तो पहुंच ही जाऊंगा अच्छा। तो ये ऐसी बातें करता था अच्छा खास करके रात के टाइम पे खिड़की में बैठ जाता था ऊपर कमरे में अच्छा और बाहर ऐसे जैसे आसमान पे तारे चांद को देखता अच्छा तो कहता मम्मी ये बताओ मरने के बाद क्या होगा हम कहा जाएंगे खाली जे पूछता ही नहीं था इसके आंसू खूब बहते थे और गहरे दिल से पूछता था अच्छा। कि मरने के बाद क्या होगा। तो मेरे पास भी उस वक्त कोई जवाब नहीं था मैं तुझे ही कहती थी ये, देख जैसे वो तारे बने हम भी तारे बन जाएंगे। ठीक है अच्छी बात ये बातें तुझे करता था तो बाकी फिर अब जैसे प्रभु में आए हैं तो जवाब इसको मिल गया क्या जवाब मिला भाई आपको परमेश्वर ने हमको धीरे-धीरे बताया हाँ। और मैं परमेश्वर की आयत में से कोट करना चाहूँगा कि ये जो मेरा बचपन में जो सवाल होता था हाँ। जॉन 11 का अच्छा 25 एंड 26 जॉन 11 यहून्ना 11 का 25 और 26 अच्छी बात है पढ़ देता हूँ ये लीजिए 25 और 26 <coughs> हाँ इसमें लिखा है यीशु ने उससे कहा पुनर्धान और जीवन मैं ही हूँ जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो फिर जी जाएगा हे और प्रत्येक व्यक्ति जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो तो कभी नहीं मरेगा क्या तू इस बात पर विश्वास करती है उसने उससे कहा हाँ प्रभु ने yes, अच्छा तो ये इसमें परमेश्वर ने जवाब दे दिया बिल्कुल कि जीसस सेड आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ इवन इफ यू गुड तो ऐसे परमेश्वर ने जिंदगी में कार्य किया तो बाइबल में जो प्रोमिस हैं अभी अभी आप बहुत बात तो बताए जब आपकी बहन जीवित हुई और फिर आगे क्या हुआ अच्छा उसके बाद मैंने विंसेंट जी को कुछ दिन बाद फोन किया अच्छा हमने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी अच्छा। बस रोज शाम खोल के बैठ जाते थे अच्छा, जो बताया और एक ऐसी शांति महसूस होती थी जो कि Uh, इतने मैं तो कहूंगा पाठ करने के बाद या कोई पूजा पाठ कर या मंत्र पढ़ने के बाद कभी नहीं हुई थी अच्छा जैसे चाहे उसका मतलब हमें कुछ समझ में आता था कुछ समझ में नहीं आता था बट इट यूज टू हिट हेयर और के एक असीम सी शांति होती थी प्रभु अपने और मिस्टर विंसेंट ने कहा कि देखो प्रभु ने आपकी बहन को चंगाई दी है धीरे धीरे चंगाई दे रहा है और इतने बड़े संकट से आपको निकाला है और मैंने उनके साथ शेयर किया कि मेरी हेल्थ भी ऐसे ठीक नहीं रहती और इसलिए मैं जॉब बाहर नहीं ले, ले सकता और कुछ ऐसे घर में प्रॉब्लम्स तो का, अगर आप परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हो बिल्कुल हाँ हाँ। आप हमारे घर में आके आपको सिर्फ थैंक यू जीजस बोलना है आप कर सकोगे ये काम क्यों नहीं आएंगे तो जैसे मेरी सिस्टर थोड़ी ठीक हुई हम सारे परिवार चले गए थोड़ी सी बेटर थी धीरे धीरे रिकवर कर रही थी क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि धीरे धीरे ये पूरा रिकवर कर जाएगी तो हम वहाँ पे गए बड़ा थोड़ा मन में डर था पता नहीं किस जगह जा रहे हैं उन्होंने कहा हमारे यहाँ कोई सिस्टर कोई मुस्लिम कन्वर्ट आती हैं सिस्टर जेकब जो कि एयरफोर्स स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर थी अच्छा उस टाइम तो रेलवे कॉलोनी में उनका घर था फर्स्ट टाइम गए तो बैठे वहां पे मेरे ख्याल करके प्रेयर कर रहे हैं थोड़ा हमें अजीब लगा क्योंकि हमने सारी उम्र यही देखा है कि हर जगह रिलीजियस प्लेस में खास करके जो आराधना होती है वो ऐसे करके सिर ढक के आराम से होती है अच्छा तो बहुत हमको awkward लगा ठीक है हमने आंखों आंखों में इशारे कर लिए भी आज के बाद यहाँ नहीं आना बस अच्छा। ठीक है अभी थैंक्स कर दिया ना अच्छा। बस <laughs> पर वहां पे एक चीज ऐसी अद्भुत चीज देखी कि जो लोग आपको जानते नहीं है उनका बाद में प्रेयर राउंड होता था अच्छा। जो लोग आपको जानते नहीं है आपके लिए रू रू के प्रार्थना कर रहे हैं अच्छा। आपके लिए इतना कंसर्न है और फ्री में ठीक बिना पैसे हमें याद है कि जब हम किसी बाबा जी के पास जाते थे अच्छा छोड़ो क्या नाम लेने हैं सबके हाँ। तो वो कहते थे कि बेटा आप बैठे हो जब तक देसी घी और मेरे ख्याल पाँच पाँच सौ एक कई नोट नहीं देख लेते थे तो उनके चेहरे पे हंसी नहीं आती थी देसी घी और पांच सौ देसी घी हवन करने के लिए अच्छा अब तो वहां हम बैठा करते थे तो उनके पास ऐसी शक्तियां थी ये दूसरे बाबा जी थे कोई अब अच्छा ये भी सरदार थे तो ये कहते थे इनका अपना डेरा था तो उनके पास बैठे बैठे एकदम से कहते थे तुम्हें गर्मी महसूस हुई मैंने कहा हाँ ऊपर से नीचे गर्मी महसूस हुई अच्छा। फिर इलाचियों का प्रसाद देते थे अच्छा। फिर जल देते थे पर फिर बाद में देखते थे माल कि माल कि, कि, कितने पैसे हम उनको दे रहे हैं तो उस हिसाब से मतलब उनके चेहरे के भाव बदलते थे अच्छा। तो रिलीफ कई बार इतना टेम्परेरी होता था कि एक दिन बाद फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट परमानेंट रिलीफ नहीं था तो यहाँ पे हैरानी हुई फिर अगले हफ्ते हमने कहा चलो फिर चले जाते हैं अच्छा देखते हैं तो ऐसे ऐसे सिलसिला हमारा शुरू हुआ और वहां जाके प्रभु ने क्योंकि प्रभु के वचन में जैसे लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना मैंने चुना है और तू अपनी माता के गर्भ में ही था हाँ, हाँ, तब से मैंने तुझे चुन, चुन लिया तो अब मैं आपकी मदद से बात करना चाहता हूँ इन्होंने मुझे बताई थी प्रभु यशु को पुकारा था आप बताए मैं एक दिन काफी परेशान थी परेशानियों से तो गुजर ही रहे थे अब तो प्रभु जी का आगमन भी हमारे घर में हो गया था अच्छा। चमत्कार भी देख रहे थे लेकिन फिर भी मैंने ये कहा सब कहते हैं परमेश्वर जीवित है अच्छा। रात का टाइम था मैं बेड पे सो रही थी तो मैंने कहा परमेश्वर जीवित है तो मुझे क्यों नहीं दिखते मुझे पता तो चले ना इधर है ना उधर है मैंने चारों तरफ ऐसे अपने आप को घुमाया कहाँ है अगर जीवित है तो मैं सो गई सुबह कहते हैं ठंडे टाइम प्रभु मिलने आते हैं अच्छा। वही टाइम मेरे सराने की तरफ इतनी मीठी आवाज आई मेरे बचपन का नाम लेके परमेश्वर ने आवाज दी मेरा दिल एकदम गदगद होने लगा खुशी से भर गया मैंने आंखें खोली इधर उधर देखा मुझे कुछ नजर नहीं आया अच्छा। मैं फिर आराम से सो गई तब मुझे ये नहीं पता था कि परमेश्वर अपने प्यार करने वालों को नाम लेके पुकारते हैं बिल्कुल ऐसे लिखा है क्योंकि अभी पूरी बाइबल पढ़ी नहीं थी अच्छा अच्छा तो बढ़ ही रहे थे नाम लेकर कभी सोए सोए अन्य भाषा निकल रही है मुझे ये भी नहीं पता था कि ये अन्य भाषा है हाँ, वो पवित्र आत्मा का वरदान है मुझे ये भी नहीं अच्छा, कुछ नहीं पता था लेकिन परमेश्वर ने अपने वरदान देने शुरू कर दिए और हमें बचाना शुरू कर दिया अच्छा, तो जहां बैठ के मैं थोड़ी बहुत ही प्रार्थना करती थी जिस रात में वहां बैठ के प्रार्थना नहीं करती थी मुझे ऐसे लगता था कि आत्मा मुझे बेड से उठा के वहां रहा है <laughs> कि वहां बैठ के प्रार्थना कर लिखा है लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, सिखांता पता सिखांता था अच्छा। कि जीवित परमेश्वर मेरे साथ इतना प्यार करते हैं और मुझे उभार रहे हैं ये सब करने के लिए जब धीरे धीरे लोगों से मैं सुनने लगी कि परमेश्वर अपने प्यार करने वालों को नाम लेके पुकारता है तो मैंने कहा परमेश्वर अगर वो तेरी आवाज थी ना तो आज की रात मेरा ये सतवंत कौर नाम लेके बुला अच्छा तो मुझे पता चलेगा कि ये परमेश्वर की आवाज है ठीक उसी रात इस नाम से आवाज आ गई अच्छा तब मुझे विश्वास हो गया कि परमेश्वर नाम लेके पुकारते हैं ऐसे ही करते करते फिर मैं ऐसे पढ़ दू कैसे इसमें लिखा है ये शायद तैतालीस में लिखा है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है तू मेरा ही है ये प्रभु के वादे हैं और और कैसा है? इसमें आगे भी और लिखा है खैर आप कंटिन्यू तो फिर मैं धीरे धीरे प्रार्थना भी करने लगी अच्छा। लेकिन अपने पुराने संस्कारों से निकलने से भी मुझे टाइम लगा पर मैं बाइबल पढ़ती रही अच्छा। प्रार्थना करती रही एक दिन फिर बच्चे तो सारे परेशान थे घर वाले सारे परेशान एक दिन फिर परमेश्वर ने मेरा छोटा बेटा अंशु उसका नाम लेके पुकारा वाँ, वाँ। तो मैंने फिर सुबह उठ के बड़ी खुश हुई मैंने कहा इसका मतलब प्रभु ने अंशु को भी आवाज दे ली दूसरी बार मुझे दिखाया कि उसके हाथ में एक ऐसी इब्लीस है तो वो ऐसे कर रहा है उसको अच्छा प्रभु इसको भी इस्तेमाल करेंगे कुछ दिन निकले तो कुछ दिन क्या काफी टाइम निकल गया इसके लिए आवाज आ गई परमिंदर कहाँ है प्रभु तेरा धन्यवाद हो आप तो एक एक को पुकारते हाँ हाँ जा रहे हो तो आपने हमें बहुत प्यार किया कि अब तो तेरे सारे वचन सत्य हुए जा रहे हैं अच्छा। करते करते फिर धीरे धीरे परमेश्वर में बढ़ने लगे तो जैसे बाइबल में लिखा हुआ कहीं परख के देखो कि यह कितना भला है हाँ मैंने भी परखना शुरू कर दिया कैसे मैंने परखा मुझे कोई दर्द तकलीफ होती थी तो मैं कहती थी यीशु अगर तू तो ठीक करने वाला है ना तो ठीक कर तो मैं जानूंगी वो दर्द ठीक हो जाए <laughs> आपका तो बड़ा अच्छा तजुर्बा है वो ठीक हो, हो जाए जवाब कर रहा है तो प्रभु आप लेके आओगे तो मुझे यकीन हो जाएगा अच्छा सब कुछ होना शुरू हो गया अच्छा। एक दिन फिर मुझे प्रभु ने दिखाया कि मेरा ड्राइंग रूम दुष्ट शक्तियों से भरा हुआ है अच्छा सोफे पे बैठी हुई है अरे आपको नजर आई हाँ विजन में नजर आई मुझे तो जू ही मैं कमरे से बाहर निकली एक एक करके वो बाहर निकल गई और मुझे ऐसे झुक रही है मेरे आगे कोई मेरे पैरों को छू रही है कोई मुझे ऐसे कर रही है तो मैं उनको कह रही हूं कि आप मुझे क्यों नमस्कार कर रहे हो हाँ। तो मुझे प्रभु ने मेरे आत्मा ने जो उभारा कि परमेश्वर ने जिन चीजों को तेरे को सताया था

मैं एक छोटा सा वाक्य शेयर करना चाहूंगा मैं जब टेंथ क्लास में था मुझे गलती से बेस्ट बिहेवियर का प्राइज मिल गया था ठीक <laughs> है तो वाकई गलती हो गई <laughs> गलती हो गई थी उनसे तो वो आई गॉट अ बुक बाय नॉर्मन विंसेंट पीएल अच्छा ठीक तो उसमें मुझे याद है उसमें उसने लिखा था कि जब मैं परेशान होता हूँ मैं परमेश्वर को पुकारता हूँ एंड आई टॉक टू गॉड अच्छा वो शायद एक या डेढ़ पेज में एक पैराग्राफ था अच्छा। उसको मैंने बीस तीस बार पढ़ लिया अच्छा। मैं कहीं से तो पता लगे ये परमेश्वर से बात कैसे करता है अच्छा। भाई क्या सीक्रेट है? है तो प्रभु ने जब चुना अभी आप देखिए जिस परिवार ने इतनी जगह धक्के खाए हूं, मैंने अपने माँ बाप को रोते परेशान होते देखे तो अब आपको पता लग जाए कि वो जीवित परमेश्वर है लूका में लिखा है मैं तुझे सांपों और पिछु को रौदने की, रौंदने की शक्ति बिल्कुल हाँ, तो हमारा एकदम इधर उधर आना जाना बंद हो गया अच्छा अब ये कितनी कितनी ज्यादा मतलब गॉड के प्रोमिस है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि परमेश्वर हमारे आंसू देखता है हमारे लिए हमको क्या सिखाया गया था परमेश्वर एक अज्ञात परमेश्वर है ही इज अ यूनिवर्सल गॉड उसका कोई उसको आप नाप नहीं सकते उसको कोई नाम नहीं है अच्छा तो यीशु ने जब हमको चुना हमको पता यही अच्छा। चाहूंगा कि आप जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं जो इन हालातों से गुजर रहे हैं मुझे नहीं मालूम किस पर प्रभु अनुग्रह करेगा आप उनसे एक मिनट में क्या कहना चाहती हैं और आप एक मिनट में क्या कहना चाहते हैं कही क्योंकि समय भागता जा रहा है आपको तो प्रभु तमाम मेरे कल से भरता जा रहा है मैं एक दिन ऐसे ही तैयार होके महत्ता टावर जीसस कॉल जा रही थी तो ज्यों ही मैंने अपना पर्स उठाना चाहा तो मेरे अंदर से आवाज आई कहां जा रही है अच्छा मैं रुक गई दूसरी आवाज आई चार पांच अन्य जाति लोग लेके बैठ जा अच्छा मैं हैरान हो गई प्रभु आप क्या चाहते हैं मेरे से मैं तो इतनी अभी नहीं आगे पहुंची कि मैं लोगों तक कैसे ये काम करूं लेकिन मेरे कंधों पे बोझ आ गया अब मैं परेशान हो गई मैं कैसे काम करूं प्रभु का कैसे मैं अपने घर में संगति करूं सोसाइटी से भी डरती थी आस पड़ोस से भी डरती थी रिश्तेदारों से भी डरती थी कि लोग क्या कहेंगे फिर मुझे कोई ऐसे सिख भाई मिले दो मैंने उनसे शेयर किया अपने घर बुलाया वो कहने लगे आंटी जी प्रभु जी आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं आप अपना घर खोलिए तब फिर मैं हमारा घर के बन रहा था मैंने फिर रात को प्रार्थना की झुंझलाहट में आके मैं कह प्रभु मैं जिससे भी बात करती हूँ सब कहते हैं कि परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है हाँ। मुझे आज ये बता दे कि मुझे कहाँ यूज करोगे कहाँ कराना है मेरे से काम तो फिर ले लो काम मेरे से उस रात जो हमारा घर टूटा हुआ बन रहा था वो मुझे दिखाया एक हाल कमरा बनाया अच्छा बड़ा कमरा दिखाया मुझे नहीं पता था कि इस कमरे का यही साइज होगा मुझे नहीं पता था इस कमरे में ये पत्थर लगेगा ये इसका रंग होगा ऐसा खूबसूरत जो कमरा परमेश्वर अपने लिए बनाएंगे वो सारा बनने से पहले ही मुझे दिखा दिया फिर इसको ये कंफर्म करने के लिए अब एक घर टूटा हुआ हो उस पर एक खूबसूरत कमरा हो तो पता नहीं चलता ये कौन सी जगह है कंफर्म करने के लिए मेरी बैक वाली डोर की पड़ोसन दिखाई साथ वाला स्कूल दिखाया जहाँ हम रह रहे थे अच्छा। कि वो स्कूल में पाइप से पानी दे रही है अच्छा। फिर जब मैं सुबह उठी तो मैं क्या परमेश्वर की क्या योजना मुझे पता नहीं।, नहीं मैं चुप रहे जब हमारा घर बनके तैयार हो गया वो कमरा कमरा मैं देखने गई तो मैं हैरान रह गई कि परमेश्वर ऐसा तो आपने मुझे दिखाया था अच्छा। और उसी कमरे में बेंच लगे हुए दिखाए मैं उस कमरे में बैठी हूँ जाके खड़ी हुई हूँ और प्रचार करना शुरू कर दिया प्रेस गॉड नहीं मैं चाहता हूँ कि आप हमारे हाँ, दर्शकों, दर्शकों से ये हाँ, बताऊंगी आपने बताएं तब आ, से मेरे घर में संगति लगनी शुरू हो गई अच्छा तो आज तक संगति लग रही है अच्छा, अब जहाँ हम भटक रहे थे कि लोगों के पास प्रार्थना करवाने के लिए जाते थे अब परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी है परमेश्वर का आत्मा मेरे थ्रू काम करता है कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं परमेश्वर आंखों से देखते हैं कानों से सुनते हैं मेरी प्रार्थना को और उसका हाँ Amen. और अमीन yes. में जवाब देते हैं yes. तो आप लोगों के लिए मैं यही संदेश देती हूँ कि मेरी तरह टूटे हुए जितने भी लोग हैं हिम्मत मत हारना क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर Amen. है Amen. और एक हमारी आस है हमारा मुक्ति दाता है जो इन बंदरों से हमें छुटकारा दिला सकता है yes. और हमें एक नई सृष्टि बना सकते हैं आपके आंसू पहुंच सकता है जैसे मेरे आंसू पहुंचे हैं क्योंकि जब हम रोते हैं तो हमारा परमेश्वर भी हमारे साथ दुखी होता यह है परख के देखो प्रभु कितना तो भला है मेरी तरह परख के देखो कि प्रभु कितना भला है अपना दुख एक इंसान की बजाय सामने रोने की बजाय परमेश्वर के Amen. आगे रो कि वो आपके दुख को सुनेगा और दुख को दूर करेगा Amen. और मेरी तरह आपको एक नई सृष्टि बताएगा क्योंकि इस वक्त मेरी उम्र 57 की है और जिस स्ट्रेंथ से मैं गुजर रही हूँ अच्छा। वो मुझे लग रहा है कि थर्टी फाइव और फोर्टी के बीच में है जानी परमेश्वर का ये वचन सत्य हो रहा है हमारे घर में हमारे जीवनों में मेरे हस्बैंड के फ्रेस्ट जीवन फ्रेस्ट में कि जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि में है तो मैं आप सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ कि जिनके घर में भी जो अंधकार की शक्तियां हैं जो शैतानी काम हो रहा है उन सबको मैं यशु मसीह नासरी के लहू से और यशु मसीह नासरी के नाम से बांध देती हूँ और हर एक जन पे प्रभु का पवित्र लहू छिड़कती हूँ प्रार्थना करती हूं कि प्रभु जैसे आपने मेरी जिंदगी में काम किया इन लोगों की जिंदगियों में भी काम कर और शैतान तू अपना हाथ हटा ले उनसे प्रभु का पवित्र आत्मा एक एक जन को छू ले और उनके अंदर काम करे अपनी सामर्थ से प्रभु भर, भर और इनको इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर ये प्रार्थना में oh, तेरे yes. प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह yes. नासरी के नाम Thank से मांगती हूँ और प्रार्थना Thank सुनने God. के लिए मैं आपका धन्यवाद yes, करती Amen. 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 मैं आपका शुक्र करता हूं कि yes. आपने इतना समय निकाला लेकिन प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि yes. कैसा अनुग्रहकारी जो सब पर अपना सूरज बराबर चमकाता है और कैसा प्रभु ने आपको लिया है और प्रभु आपको अपनी महिमा का इस्तेमाल करेगा तो मुझे दिख रहा है लेकिन मैं फिर से धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें अवसर दिया है भगवान आपको आशीष दें थैंक यू तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह मेरे से किसी ने इतने साल पहले वचन शेयर किया था अच्छा। तो परमेश्वर ने हमको एक बोझ दिया है हाँ हा। अब मैं चुप नहीं रह सकता क्योंकि फिजिकल हीलिंग से भी ज्यादा जरूरी है आत्मा का बचाया जाना yes. तो परमेश्वर ने बताया कि बिना मेरे यीशु कहते हैं कि बिना मेरे पिता के पास कोई नहीं जा सकता तो मैं अपने फ्रेंड्स को बताता हूं मैं गली में जाता हूं पार्क में छोटे बच्चे होते अच्छा। हैं और अपनी गली में वचन शेयर करते हैं बसों में ट्रेन में क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जाओ और सुसमाचार का, का प्रचार करो तो जाओ। मेरी लोगों से सिर्फ एक ही मैं उनको कहता हूं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है आप प्रार्थना करते हैं आप यीशु के सामने प्रार्थना करनी शुरू कर दी जस्ट आस्क जीसस मेरा स्लोगन है Just, जस्ट आस्कस yes. एक बार किसी की कार खो गई थी मैंने कहा फर्क पड़ता है मैंने कहा ट्राई उसने ट्राई किया शाम को फोन आ गया उसकी कार तो देर इज नॉसिबल नहीं बिल्कुल बिल्कुल भाई जीव ईश्वर है जवाब देगा जी तो वही सारी बात है आपका, आपके तो तो बहुत से कम है। लेकिन के लिए प्रभु ने आप दोनों को इस तरह से चुन लिया है और अपनी महिमा के लिए बहुत अच्छे इस्तेमाल करेगा आपका स्टूडियो में आने के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और साथ में आपका भी क्योंकि आपने प्रभु के लिए ये किया है और मुझे मालूम हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें बहुतों आपकी इस गवाही ने छुआ होगा और प्रभु उन पर अनुग्रह करेगा क्योंकि उसके वचन में सामर्थ बहुत है और जब पुकार के देखेंगे जिंदा है और सुनता है और मैं तुझे तो जानना चाहता हूँ मुझ पर अनुग्रह कर दे आमेन हम आशा करते हैं कि आज की गवाही से आपको बहुत आशीष मिली होगी और प्रभु यीशु हम सबका प्रभु है और अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करिए एट नाइन जीरो फाइव एट फोर सिक्स सेवन टू सेवन थ्री अगर आपको टेप सीरीज या बाइबल चाहिए तो हमें कॉल करिए एट नाइन जीरो फाइव एट फोर सिक्स सेवन टू सेवन थ्री अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पे तब तक ये बात याद रखिए कि प्रभु यीशु आपकी चिंता करता है हि है यशु तु महान है येषु तु है